आबाद में सजा सकाफती मेला, जिसमें सहराए तर और राजस्थान की सकाफत के साथ इलाकाई पंकारों का पन और संगीत। मेले में सिंधी टोपी और अजक ने भी अपना रंग जमाया। मेले में शरीक अफराद ने राजस्थानी मौसीकी का खूब लुत्फ उठाया। मौसीकी ऐसी के जिसने शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। ऐसे इवेंट्स जो होते हैं वो आपको हमेशा एक्सपोजर देते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ही हैं जो आगे जाके पॉलिसी मेकर्स बनते हैं, जो आगे जाके पॉलिटिशियंस बनते हैं, एंड दे हैव टू पार्टिसिपेट, एंड दे आर द वंस जिन्होंने आगे जाके पॉलिसी मेकिंग करनी है ताकि हमारे लोगों को बेनिफिट हो सके। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद जो है वो लोगों को अपने फोक हेरिटेज और जो हमारे इलाकाई मौसीकी है खासतौर पर उसे इंगेज रखना, और वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो खास जो हमारे फोकलोर आर्टिस्ट उनको जिंदा रखना है। शुरका का कहना था कि तर और राजस्थान की सकाफत को उजागर करने के लिए हुकूमती इकदाम की जरूरत है। एक तरफ अगर फनकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाया तो दूसरी जानब राजस्थानी संगीत और राग ने भी शुरका के दिल लूट लिए। कैमरामैन जाहिद परवेज के साथ अताउर रहमान, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद।